जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक सोचे समझे मंसूबे के तहत चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब पर कातलाना हमला किया गया है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए और उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। इस खबर को सुनकर हम पूरी कौम तशवीश के आलम में है, इस्तराब की कैफियत है, गुस्सा है। पहले से एक शॉक पहुंचा और जैसे जैसे शॉक से बाहर निकल रहे हैं वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हर शहर में मेरी इत्तला के मुताबिक लोग जमा हो रहे हैं। मैं मुल्तान से रवाना हुआ तो वहाँ जो हमारा इंसाफ चौक है जिसको चुंगी नंबर 9 कहते हैं, वहाँ लोगों का एक बड़ा हजूम जमा हो गया था। मेरी इत्तला के मुताबिक पेशावर में, रावलपिंडी में, कराची में लिबर्टी चौक पर लोग अपना इमरान खान के साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं और अपनी गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो हकीकी आज़ादी का ये मार्च था वो तो पुरअमन था और पूरी कौम ने देखा कि आज 7वां रोज़ था। यार चुप कर जाओ। आज सुबह वज़ीराबाद तक लिबर्टी से रवाना हुए और 7वें रोज़ वज़ीराबाद अल्लाह वाला चौक से उनका आगाज़ होना था काफ़िले का। पुरअमन था, लाखों लोग जगह जगह हर कस्बे में हर शहर में लोग बाहर निकले, इमरान खान का इस्तकबाल किया। छतों में मैंने ख्वातीन को, बच्चों को, माजूर लोगों को, व्हील चेयर्स में लोगों को मैंने देखा जो इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आए थे। हर मकतबे फ़िक्र, हर तबका, हर उम्र का मर्द और औरत इस हकीकी मार्च में शामिल थे। पुरअमन था, हमें मुश्तहिल करने की कोशिश की गई, गुजरांवाला में वॉल चौकिंग की गई। हम उसको खातिर में ना लाए क्योंकि हमारा मकसद नुक्से अमन नहीं था, हमारा मकसद पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंचना था और इमरान खान की वाज़ह हिदायत थी कि हमने कानून और आईन के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। उन्होंने कौम को यकजा किया, कौम को जगाया, कौम से कस्बा कस्बा, चप्पा चप्पा, गांव गांव, करिया करिया उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया। और मैंने बारहा कहा है मीडिया से, मेरी नज़र में हुकूमती अहलकार जो मर्जी कहें, इमरान खान का बयानिया लोगों के जहनों में बैठ गया और दिल में उतर गई बात। अब जो मर्जी हुकूमत कह ले या उनके अहलकार कह ले, लोग उसे तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। इमरान खान को वसते हैं और इमरान खान की बात को वो फौकियत और अहमियत दे रहे हैं। अब ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है, हमें उसका बेपनाह सदमा है। सीनियर लीडरशिप यहाँ पहुँच रही है और कल हमारा इजलास होगा। इमरान खान साहब की हिदायत भी आपने सुन ली हैं और हमारे सेक्रेटरी जनरल ने उनकी हिदायत पर अपना बयान जारी कर दिया है और हमारे सीनियर मिनिस्टर जो हैं पंजाब के मियां असलम इकबाल साहब वो मौजूद थे और मैंने तो रास्ते में गाड़ी पे उनका जो वीडियो क्लिप है वो मैंने सुना। मैं समझता हूँ हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और फिल फौर FIR दर्ज करनी चाहिए जैसे इमरान खान साहब ने कहा है और मुल्क को एक
सियासी बहरान से बचाने के लिए, माशी बहरान तो आप पर तारी हो चुका है, आप देख रहे हैं पिछले 6 माह में जो हमारी माशी कैफियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुल्क को एक सियासी बहरान से बचाने के लिए इन्हें स्टेप डाउन कर देना चाहिए और मुल्क में नए इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। आवाम पर अतमाद करें, अगर हमारा नुक्ता नज़र सही है तो लोग कबूल करेंगे और अगर हमारा नुक्ता नज़र सही नहीं है तो लोग उन्हें मौका दे देंगे। ये हुक्मरान और ये टोला जो आज हुकूमत में है वो आवाम से खाइफ क्यों है, वो आवाम पर एतमाद क्यों नहीं करता? हमारा मुतालबा आइन के दायरा कार के अंदर है और जमहूरी है, तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं अभी आया हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, उनसे हिदायत लेना चाहूँगा और उनकी हिदायत की रूह में फिर हम अपना अगला लाया अमल तय करेंगे।